देखिए ये जो अभी चर्चा चल रही है चार पांच दिनों से, जो संविधान में लिखा हुआ है उसमें तो दोनों शब्दों का प्रयोग है, इंडिया और भारत दोनों। अब आज की जो लोग शासन में हैं वो अगर इंडिया के बजाय इसको भारत शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसमें मतलब जो भी चुनकर आया है उसका प्रीरोगेटिव है। मान लीजिए कि किसी जमाने में हम लोग बॉम्बे कहते थे, आज उसको मुंबई कहा जा रहा है, कभी कि मद्रास कहते थे, आज उसको चेन्नई कहा जा रहा है। अब ये सही है कि गलत है, हर व्यक्ति का अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली लोकतंत्र में जो जनता है उसके विल को ही आप अंतिम विल मानते हैं। जिस संविधान की हम लोग शपथ लेते हैं, जिस संविधान की चर्चा करते हैं, उसमें क्या उसका पहला ही लाइन क्या है, वी द पीपल, हम भारत के लोग। ठीक है, तो लोगों ने जो मत दिया और जिसको सरकार में बैठाया वही लोगों का जनमत है। अब सरकार को निर्णय लेने दीजिए, लोग अगर उससे इत्तफाक नहीं रखेंगे तो इसीलिए तो हर चार वर्ष पर पांच वर्ष पर चुनाव की व्यवस्था है। अगर सरकार जनता के इच्छा आशा अनुरूप काम नहीं कर रही है तो पांच वर्ष में सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर जनता उस बात पर ध्वनि मत से वोट दे रही है, लोगों को फिर वापस जिता रही है, तो आपको हमको अच्छा लगे या नहीं आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जनता से ऊपर तो कोई नहीं है देश में, कोई विद्वान, कोई इंटेलेक्चुअल, कोई ज्ञाता, कोई ज्ञानी ये नहीं कह सकता है कि हम बिहार में या देश में जनता से ऊपर हैं। तो जनता का विल ही अंतिम विल है, उन्होंने जिनको चुना है उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि जनता के आशा अपेक्षा के अनुरूप आप काम करें, वो काम करें या न करें जनता के पास, इसीलिए व्यवस्था है कि हर पांच वर्ष पर जनता के पास ये पास होने के लिए आपको आना पड़ता है। अगर चुनकर गए हुए व्यक्ति जनमत के भावना के अनुरूप काम नहीं करेंगे, उनके विरोध में काम करेंगे, तो जनता अपने मत के द्वारा उसको जाहिर करेगी और इसमें हमको आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, ये आपको हमको लगता है कि जनता को समझ में नहीं आ रहा है, पैसे से खरीदा जा रहा है, जाति में बटा हुआ।